मार्केट में बात करूं अगर मैं ईवी स्कूटर्स की या ईवी व्हीकल्स की, तो उस ईवी व्हीकल्स की मार्केट में एक नाम आता है ओकिनावा का। तो ओकिनावा ने अपना लेटेस्ट स्कूटर जो है वो लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है ओकी 90। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ओकी 90 में क्या स्पेसिफिकेशन हमारे को देखने के लिए मिलती है, क्या रेंज देखने के लिए मिलती है, क्या बैटरी बैकअप देखने के लिए मिलता है, और क्या ये आज की मार्केट में स्टैंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो मेरा नाम है नितिन, आप देख रहे हैं शाइन इलेक्ट्रिक व्हीकल, जहां पे मैं आप लोगों की मदद करता हूं आपके ईवी को परचेस करने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज ओकी 90 में हमारे को क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो ओकी 90 में आपको फ्रंट में 100x80 का ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलता है, जो कि 16 इंच एल्यूमिनियम व्हील पे आपका लगा हुआ है, जो कि आज की मौजूदा मार्केट में सबसे बड़ा व्हील साइज है। किसी भी ईवी स्कूटर की कंपैरिजन में देखें तो सबसे बड़ा व्हील साइज यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए, बड़े व्हील साइज के होने की वजह से सिटी या रूरल एरिया में चलाने में हमारी गाड़ी को काफी स्मूथ ड्राइव देखने के लिए मिलती है। वहीं बात करूं अगर मैं सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने के लिए मिलता है, वहीं आपको रियर में डबल शॉकर विद ड्यूल ट्यूब टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बॉडी टाइप की, तो आपको यहाँ पे ABS फाइबर विद ग्लॉसी कलर के साथ क्रोम फिनिश भी देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ फ्रंट में आपको नॉमिनल डिजाइन के साथ LED इंडिकेटर देखने के लिए मिलते हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में DRL लाइट जो है देखने के लिए मिलती है। इसके बाद बात करूं मैं अगर हेडलाइट के, तो यहाँ पे आपको ओकिनावा के लोगो से इंस्पायर्ड आपको 6 LED देखने के लिए मिलेगी, जो कि इसके लुक को काफी ज्यादा एनहेंस कर देती है। इसके बाद बात करें अगर ब्रेकिंग की, तो यहाँ पे फ्रंट और रियर में दोनों में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलता है, जो कि आपकी CBS सिस्टम पे काम करता है, जो कि है कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके स्पीडोमीटर की, तो स्पीडोमीटर पे आपको काफी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी, लाइक बैटरी लेवल ट्रिप, आपकी स्पीड, आपका ओडोमीटर, आपका ट्रिप। इसके बाद बात करें अगर इसके फ्लोर मैट की, तो आपको बॉडी कलर फ्लोर मैट देखने के लिए मिलेगा। बात करूं अगर मैं स्टैंड की, तो यहाँ पे आपको साइड स्टैंड और आपको रियर पे ड्यूल स्टैंड दोनों स्टैंड देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद बात करें अगर हम सीट की, तो यहाँ पे आपको 900mm की सीट मिलती है, जो कि दो लोगों के लिए काफी आरामदेह है। दो लोग अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप इजीली यहाँ से पेड़ ट्रेवल कर सकते हैं। और इसकी मैं लोड कैपेसिटी की बात, तो ओकी 90 में आपको 250 kg का लोड कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है। बात करूं अगर मैं यहाँ पे स्पीड की, तो यहाँ पे आपको तीन मोड देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट मोड में आपको 50 की स्पीड देखने के लिए मिलती है, जो कि इको मोड है। सेकंड मोड में आपको 60-80 की स्पीड देखने के लिए मिलती है, और टॉप मोड पे आपको 90 km/h की स्पीड देखने के लिए मिलती है। बात करूं अगर यहाँ मैं मोटर की, तो यहाँ पे आपको 3.8 kW की मोटर देखने के लिए मिलती है, जो कि इस गाड़ी के सेंटर में माउंटेड है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको बेल्ट ड्रिवन मोटर देखने के लिए मिलती है, जो कि IP65 रेटेड है। इसी के बाद बात कर लेते हैं इस मोटर को चलाने के लिए, आपको यहाँ पे दी जाती है 3.6 kW की लिथियम आयन बैटरी, जो कि डीअटैचेबल है, जिसको आप कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं। देखिए, इस पे कंपनी का क्लेम है कि ये 80% जो है वो 1 hour में ही चार्ज हो जाएगी, और उसके बाद नेक्स्ट इसको 100% करने के लिए आपको 3-4 hours का टाइम लगेगा, जो कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हमें देखना होगा कि ये क्या रियली हमारे को 80% की चार्जिंग 1 hour में देती है कि नहीं देती। बात करूं मैं अगर यहाँ पे बूट स्पेस की, तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको 40 लीटर का बूट स्पेस जो है वो देखने के लिए मिलता है। बाकी जो बेसिक फीचर ओकिनावा की गाड़ियों में आपको देखने के लिए मिलता है, लाइक कीलेस आपको एंट्री मिलती है, ऑटोमेटिक की लॉकिंग सिस्टम मिलता है, पार्किंग मोड मिलता है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन स्पीडोमीटर मिलता है, आपकी बैटरी की डिटेल, GPS ट्रैकिंग, मोबाइल चार्जिंग और एंटी थेफ्ट अलार्म, ये सारे फीचर आपको इस गाड़ी में भी देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो जो कि प्राइस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 1,21,866 rupees, जो कि दिल्ली की है। आपके एरिया में, आपकी सिटी में शायद ये प्राइस अलग हो सकती है। बात करूं अगर मैं कलर की, तो यहाँ पे आपको 4 colors देखने के लिए मिलता है। आपको पहले रेड कलर देखने के लिए मिलता है, व्हाइट कलर देखने के लिए मिलता है, सिल्वर कलर देखने के लिए मिलता है, और एक ब्लू कलर देखने के लिए मिलता है। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस क्वेरी का आंसर देने के लिए पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लेके आता रहूंगा, जिससे आपको आपके ईवी लेने में मदद होगी।